नमस्कार, राजधावा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। सीएम अशोक गहलोत ने मणिपुर की घटना को लेकर भी केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर निशाना साधा है। कहा, मणिपुर में जिस तरह महिलाओं का अपमान हुआ है, उससे पूरे देश की विश्व में बेइज्जती हुई है। 77 दिन हो गए, पीएम ने एक शब्द नहीं बोला। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, फिर बोले। गहलोत जयपुर में शनिवार को मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, पीएम कह रहे हैं कि मणिपुर, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था पर ध्यान रखें। बताइए, कहां मणिपुर और कहां राजस्थान? पीएम ने राजस्थान के स्वाभिमान के साथ चोट की है। पीएम कहते हैं, 140 करोड़ जनता को शर्मसार होना पड़ रहा है। 140 करोड़ जनता शर्मिंदा नहीं है, वह तो दुखी है आपकी सरकार के कारनामों से, आपकी लापरवाही से। एक बार गृह मंत्री जाकर आ गए और इतिश्री कर ली। गहलोत ने कहा, पीएम ने चंद सेकंडों में औपचारिकता करके बात को खत्म कर दिया। आप कम से कम मीटिंग करते, वहाँ स्थिति कंट्रोल कैसे होगी? आप कर्नाटक घूम रहे हो, राजस्थान घूम रहे हो, छत्तीसगढ़ घूम रहे हो, चुनाव के अंदर ऐसा मैंने पहली बार देखा है। मणिपुर में उनकी सरकार है, वहाँ अगर कांग्रेस सरकार होती तो आप कल्पना कीजिए क्या क्या बोलते। वहाँ हालत को कंट्रोल करने की जगह गृह मंत्री चुनावी राज्यों में घूमते रहे। अगर एक राज्य में आग लग रही हो और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, केंद्र सरकार विफल रही। मुझे अफसोस है, मणिपुर जल रहा है, वो हजारों लोग मारे गए, फिर भी पीएम ने कुछ नहीं किया। गहलोत ने बीजेपी के नहीं सहेगा राजस्थान अभियान पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी के नहीं सहेगा राजस्थान अभियान में कोई सच्चाई नहीं है। जनता बीजेपी को नहीं सहेगी, क्योंकि जिस तरह से पिछले 4.5 साल में निकम्मापन दिखाया है, उसकी वजह से आपको जनता नहीं सहेगी। मार्केटिंग में पीएम का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, मार्केटिंग की वजह से ही उनका मामला चल रहा है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।